हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है उपेंद्र प्रताप सिंह। आज जिस टॉपिक के बारे में हम बात करने वाले हैं वो है ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट 2020। 2020 की ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट आ गई है, उसमें इंडिया का क्या स्टैंड रहा है, इंडिया ने क्या अपने टारगेट जो थे उसके न्यूट्रिशन टारगेट वो क्या पूरे करे हैं कि नहीं करे हैं, तो आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। वीडियो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। जो न्यूज़ में आ रहा है टॉपिक वो यही है कि इंडिया इज़ अमंग 88 कंट्रीज़ दैट आर लाइकली टू मिस ग्लोबल न्यूट्रिशन टारगेट बाई 2025। जो 2025 के टारगेट जो थे ग्लोबल न्यूट्रिशन के, वो भारत के साथ साथ और 88 कंट्रीज और हैं, उन्होंने सबने मिस कर दिए हैं। वो पूरी तरीके से फुलफिल नहीं कर पाए हैं उस रिपोर्ट को। जो भी उनके टारगेट थे उसको कंप्लीट नहीं कर पाए हैं प्रॉपर तरीके से। जो भी सारे टारगेट थे, 10 जो भी 10 एम थे वो उन्हें पूरे नहीं कर पाए हैं। किसके अकॉर्डिंग? ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट 2020 के अकॉर्डिंग। इन 2012 द वर्ल्ड हेल्थ असेंबली आइडेंटिफाइड 6 न्यूट्रिशन टारगेट। 2012 में 6 न्यूट्रिशन टारगेट डिसाइड करे गए थे कि फॉर मैटरनल इन्फेंट एंड यंग चिल्ड्रन। किसके लिए? मैटरनल जो फीमेल होती हैं, जो जो माँ होती हैं उनके लिए, इन्फेंट बच्चों के लिए एंड यंग चिल्ड्रन थोड़े बड़े बच्चों के लिए, टू बी मेट बाई 2025। तो इनके अकॉर्डिंग जो भी न्यूट्रिशन टारगेट करे गए थे, जो भी न्यूट्रिशनल टारगेट्स बनाए गए थे 2012 में, वो कितने थे? 6 थे। ठीक है, आगे देखते हैं इसमें। देखिए, ट्विटर पर भी पढ़ा हुआ है ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट का। इट्स हेयर वी आर प्राउड टू अनाउंस दैट द 2020 ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट इज़ नाउ लाइव। मतलब वो लाइव रिपोर्ट दिखाने वाले हैं। ओके, तो उसके बारे में ये पूरा डिटेल में है, आगे देखते हैं। इन 2012 द वर्ल्ड हेल्थ असेंबली आइडेंटिफाई 6 न्यूट्रिशन टारगेट फॉर मेटरनल इन्फेंट एंड यंग चिल्ड्रन न्यूट्रिशन टू बी मेट बाई 2025। ये रिपीट हो गई है लाइन। मतलब 2025 तक वही जो टारगेट्स थे, 6 टारगेट डिसाइड करे गए थे 2012 में। ओके, दिस रिक्वायर गवर्नमेंट टू रिड्यूस स्टंटिंग बाय 40% इन चिल्ड्रन। अब देखिए, जो 6 टारगेट थे वो क्या क्या थे, उसमें क्या बात कही गई थी वो देखते हैं। कि ये कहा गया था कि दिस रिक्वायर गवर्नमेंट टू रिड्यूस स्टंटिंग बाय 40% इन चिल्ड्रन। 5 वर्ष के जो छोटे बच्चे हैं, 5 वर्ष से जो नीचे के बच्चे हैं, उसमें 40% तक उनकी जो स्टंटिंग ग्रोथ है उसको वो मेंटेन करा जाएगा। स्टंटिंग का मतलब क्या होता है कि जब बच्चे को प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलता है तो उसकी ग्रोथ रुक जाती है। एक एवरेज बच्चे के अकॉर्डिंग जिसको प्रॉपर न्यूट्रिशन मिल रहा है और एक एवरेज बच्चा जिसको न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है, जो माल न्यूट्रिशन है, तो उसके बॉडी में, उसकी फंक्शनिंग में काफ़ी डिफरेंस रहता है। तो स्टंटिंग माने कि अपने एज के अकॉर्डिंग बच्चे की ग्रोथ नहीं हुई हो, उसको हम क्या बोलते हैं? स्टंटिंग। तो सरकार ने कहा था कि 40% तक के जो 40% तक हम स्टंटिंग को रिड्यूस करेंगे। किन में? उन बच्चों में जो 5 वर्ष से नीचे के हैं। एंड प्रिवलेंस ऑफ एनीमिया बाय 50% अमंग वेमेन। जो औरतें हैं उनमें उनमें खून की कमी हो जाती है। एनीमिया आप समझते होंगे, एनीमिया माने खून की कमी। तो 50% तक जो भी है ये उसको कम कर दिया जाएगा। प्रिवलेंस ऑफ एनीमिया बाय 50% अमंग वेमेन, औरतों में 50% तक कम करा जाएगा। किस एज ग्रुप के अंडर की बात हो रही है? 19 से लेके 49 ईयर्स तक। एंश्योर 30% रिडक्शन इन लो बर्थ वेट। 30% रिडक्शन होगा किसमें? लो बर्थ वेट में। ठीक है, एंड नो इंक्रीज इन चाइल्डहुड ओवरवेट। और उसके साथ साथ क्या एक और एम था कि चाइल्डहुड जो ओवरवेट हो रहा है बच्चों में, जो ओबेसिटी आ रही है ज़्यादा जंक फूड खाने की वजह से और फास्ट फूड खाने की वजह से जो वेट में इंक्रीमेंट हो रहा है, तो उसको भी रोका जाएगा। इंक्रीज द रेट ऑफ एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग इन द फर्स्ट 6 मंथ्स अप टू एटलीस्ट 50%। 50% तक बढ़ाया जाएगा क्या? ब्रेस्ट फीडिंग, मतलब कि जो जो छोटे बच्चे होते हैं वो माँ का दूध पीते हैं, ब्रेस्ट फीडिंग करते हैं, तो 6 महीने तक वो माँ बच्चे को ब्रेस्ट फीड करवाएगी। तो ये भी देखा जाएगा, 50% तक इसे बढ़ाया जाएगा। एंड रिड्यूस एंड मेंटेन चाइल्डहुड वेस्टिंग टू लेस देन 5%। और उसके साथ साथ जो चाइल्डहुड वेस्टिंग हो रही है वो भी कम करा जाएगा 5% तक। अब देखिए, चाइल्डहुड वेस्टिंग का मतलब क्या होता है? यहाँ पे दो तीन वर्ड आएंगे जो आपको थोड़े कन्फ्यूज करेंगे। एक होता है स्टंटिंग, एक होता है वेस्टिंग और एक होता है ओवरवेट। ओवरवेट तो बिल्कुल अलग कैटेगरी, हम समझ पा रहे हैं कि मोटापा जैसे हम बोलते हैं, ज़्यादा न्यूट्रिशन की वजह से, ज़्यादा जंक फूड की वजह से बच्चे में ओबेसिटी आ जाती है, तो उसे हम ओवरवेट बोलते हैं और ओबेसिटी बोलते हैं। वो बात तो क्लियर है, बट स्टंटिंग और वेस्टिंग में थोड़ा बहुत डिफरेंस है। देखिए, स्टंटिंग क्या होती है कि जब बच्चे को न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है शुरुआत से, ये गरीब घर में बच्चा पैदा हुआ या डेवलपिंग कंट्री के किसी पर्टिकुलर स्टेट में बच्चा पैदा हुआ है, तो उसे प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल पा रहा है। उस न्यूट्रिशन ना मिलने की वजह से उसकी बॉडी में काफ़ी सारी उसकी ग्रोथ रुक जाएगी, स्टंट कर जाएगी। स्टंट माने रुक जाएगी।
मेंटल ग्रोथ हो गई, फिजिकल ग्रोथ हो गई, बाकी सारी फंक्शनिंग हो गई, बॉडी फंक्शनिंग हो गई, न्यूरोमस्कुलर फंक्शंस हो गए, वो सब रुक जाते हैं थोड़े, ठीक है, शुरुआत से ही है, वो सब शुरुआत से ही चलता है, मतलब बचपन से ही बच्चे को प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता, तो उस केस को हम शब्द क्या देते हैं, स्टंटिंग। बट जब बात आती है वेस्टिंग, वेस्टिंग में क्या होता है कि स्टार्टिंग में बच्चे को प्रॉपर न्यूट्रिशन मिल रहा है, ओके, बट मान लो 5-6 साल तक बच्चे को प्रॉपर न्यूट्रिशन मिल रहा है, बट 6-7 साल में क्या हुआ, बच्चे को कोई बीमारी लग गई, टीबी की या कोई भी बीमारी लग गई ऐसी, जिसकी वजह से उसकी ग्रोथ में प्रॉब्लम आने लगी, उसकी ग्रोथ फिर वहाँ उसके बाद से उसकी ग्रोथ वहाँ से रुक गई, उसके बाद से बढ़ना कम हो गई किसी बीमारी की वजह से, ठीक है। तो ये उसको उसको एक शब्द दिया जाता है वेस्टिंग। तो आप समझ रहे हैं, स्टंटिंग माने शुरुआत से ही माल न्यूट्रिशन है, वेस्टिंग माने कि किसी बीच में, मतलब किसी साल में ऐसा हुआ कि बच्चे को कोई बीमारी लग गई, उस बीमारी की वजह से जो डिफेक्ट आने लगा उसे हम बोलते हैं वेस्टिंग। तो ये सारे 6 टारगेट माने गए थे, तो उसके बारे में यहाँ लिखा हुआ है, आप ढंग से देखिएगा इसे, आगे बढ़ते हैं। अब बाकी देखिए, आप ये इन्फोग्राफिक से समझेंगे काफ़ी सारी चीज़ें, ग्लोबल न्यूट्रिशन टारगेट है 2025 का, तो उसमें देखिए क्या क्या बातें हुई थी। चाइल्ड स्टंटिंग के बारे में बात हुई थी, देख रहे हैं, अब चाइल्ड की जो नॉर्मल ग्रोथ है उससे कम रह गई है, तो कट द नंबर ऑफ स्टंटेड चिल्ड्रन बाय 40%, 40% तक कम करी जाएगी स्टंटिंग, ठीक है। चाइल्ड वेस्टिंग, चाइल्ड वेस्टिंग माने जो नॉर्मल बच्चा था उससे बच्चे की जो ग्रोथ है वो काफ़ी कम है, रिड्यूस एंड मेंटेन चाइल्ड वेस्टिंग टू लेस देन 5%, 5% तक कम करा जाएगा और मेंटेन करा जाएगा, किसको, चाइल्ड वेस्टिंग को, ये बात आपको याद रखनी है। चाइल्ड ओवरवेट, मोटापा जो बढ़ रहा है, देखिए अब नॉर्मल बच्चे से बच्चे का वेट ज़्यादा है तो कोई इसमें बड़ा बड़ा बढ़ोतरी नहीं होनी चाहिए, ये उन्हें देखना है, मतलब 2025 का ही टारगेट है। बाकी ये एफ ई एन एम, एफ ई माने क्या होता है, आयरन की, आयरन का फॉर्मूला होता है एफ ई, ठीक है, फेरस जिसे हम बोलते हैं। तो कट एनीमिया इन वेमेन ऑफ रिप्रोडक्टिव एज बाय 50%, 50% तक अनेमिया को हमें कम करना है औरतों के अंदर। एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग, ब्रेस्ट फीडिंग करवानी है माँ का, ब्रेस्ट फीडिंग करवानी है, माँ का दूध पिलवाना है बच्चे को, इंक्रीज टू एटलीस्ट 50%, 50% तक ये बढ़वाना है। लो बर्थ वेट, लो बर्थ वेट मतलब बर्थ वेट भी कम करवाना है, मतलब कट लो बर्थ वेट बाय 30%, ठीक है। तो ये 6 है मेन, बाकी हॉल्ट द राइज इन प्रेवलेंस ऑफ, बाकी इन चीज़ों पर भी ध्यान देनी है ना, जैसे कि एडल्ट ओवरवेट, जो बड़े जवान लोग हैं, लड़के लड़कियां हैं, उनमें ओवरवेट हो रहा है उसको भी देखना है, डायबिटीज़ को भी देखना है और ओबेसिटी को भी देखना है, ठीक है, तो इस पर भी ध्यान दिया जाएगा। तो ये पूरा 2025 का टारगेट था, ग्लोबल न्यूट्रिशन टारगेट, ओके। इसमें हम आगे देखते हैं, अब की फाइंडिंग क्या रही है इसकी मेन, टुडे 1 in every 9 people इन द वर्ल्ड इज हंग्री, ये की फाइंडिंग किसकी है, ग्लोबल रिपोर्ट की ही की फाइंडिंग है, ठीक है। इसमें क्या कह रहे हैं कि 1 in every 9 people इन द वर्ल्ड इज हंग्री, तो 9 में से 1 बच्चा भूखा है, एंड 1 in every 3 इज ओवरवेट, और 3 में से 1 बच्चा ओवरवेट है या फिर ओबेस कहलाएगा वो। मोर एंड मोर कंट्रीज एक्सपीरियंस द डबल बर्डन ऑफ माल न्यूट्रिशन, ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीज पर बर्डन पड़ता जा रहा है किसका, माल न्यूट्रिशन का, मतलब न्यूट्रिशन की कमी होती जा रही है, जो भी वो फूड ले रहे हैं, जंक फूड ले रहे हैं, नॉर्मल पैकेट फूड ले, पैकेज फूड फूड ले रहे हैं, उसमें उतना न्यूट्रिशन की सप्लाई उन्हें नहीं मिल पा रही है। वेयर अंडर नरिशन को एग्जिस्ट विद ओवर वेट, अब देखिए ये समझिए आप बात कि अंडर नरिशमेंट भी चल रहा है एक तरफ, आप देख रहे हैं दो पैरेलल वर्ड चल रहे हैं, कि जहाँ पर बहुत ही गरीब लोग हैं वो बिल्कुल माल न्यूट्रिशन की कंडीशन में है, अंडर नरिशमेंट की न्यूट्रिशन में है, उनकी ग्रोथ एकदम स्टंटेड है और वेस्टेड है, और एक तरफ पैरेलल वर्ल्ड में चल रहा है जो थोड़े पैसे वाले लोग हैं उनमें क्या केसेस देखे जा रहे हैं, ओवरवेट के, ओबेसिटी के, मोटापे के। तो देख रहे हैं अब दो पैरेलल वर्ल्ड चल रहे हैं, एक तरफ बिल्कुल ही खराब हालत और एक तरफ हालत तो खराब है बट वो ऊपर ले दूसरे लेवल की खराब हालत है, तो समझ रहे एकदम पैरेलल चल रही है बात है। एंड अदर डाइट रिलेटेड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, और उन क्या देखा गया है कि डाइट रिलेटेड जो भी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज होती हैं, डाइट से रिलेटेड जो भी बीमारी होती है, जैसे क्वासी वर्कर हो गया, मेरेस्मस हो गया, बहुत सारी एनीमिया हो गया, नाइट ब्लाइंडनेस हो गया, विटामिन्स की कमी की वजह से जो होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। नॉट वन कंट्री इन ऑफकोर्स टू मीट ऑल 10 of the 2025 ग्लोबल न्यूट्रिशन टारगेट, कोई भी ऐसी कंट्री नहीं है जिसने सारे के सारे 10 of the 10 जो 2025 के टारगेट थे वो पूरे फुलफिल करे हों, एंड जस्ट 8 of 194 कंट्रीज आर ऑन ट्रैक टू मीट 4 टारगेट्स, बाकी 194 कंट्रीज में से 8 ऐसी कंट्रीज हैं जिन्होंने लगभग लगभग 4 टारगेट्स को पूरा करा है, सबको नहीं, सारे 10 के 10 नहीं, बट 4 टारगेट्स को पूरा करा है, ओके। ओवरवेट इज अ परसिस्टिंग इशू फॉर द पुअरेस्ट कंट्री, जो भी कंट्रीज पुअरेस्ट कंट्रीज है, जैसे कि डेवलपिंग कंट्रीज है, बहुत ही पुअर हालत में है, उसमें क्या देखा जा रहा है, अंडरवेट देखा जा रहा है, मतलब बच्चे में माल न्यूट्रिशन की वजह से एकदम पतले होते जा रहे हैं, सूखते जा रहे हैं।
एंड कैन बी 10 टाइम्स हायर देन इन वेल्दियर कंट्रीज। और जो वेल्दियर कंट्रीज हैं, जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, उससे 10 गुना ज़्यादा है ये ओवर अंडर वेट की कंडीशन। ओवर वेट एंड ओबेसिटी प्रिवेल इन वेल्दियर कंट्रीज, जो पैसे वाली कंट्रीज हैं, पैसे वाले, जिसमें पैसा बहुत है, तो ऑब्वियसली वहाँ पे कैसी कंडीशन रहेगी, ओवर वेट की और ओबेसिटी की, एट रेट ऑफ अप टू 5 टाइम्स हायर देन इन पुअर कंट्रीज। और ये किससे ज़्यादा है, जो पुअर कंट्रीज है उससे 5 गुना ज़्यादा है ये वाली कंडीशन, ओवर वेट की और ओबेसिटी की। ठीक है, ये सिंपल बात है, आप सिंपल लैंग्वेज में समझ पा रहे होंगे इसको। आगे बढ़ते हैं, देखिए इन्फोग्राफिक्स से आप ढंग से और समझेंगे इसमें क्या है। देखिए वही सब बातें हैं, अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा इन लाइन्स पे, वही कि 1 in 9 पीपल इन हंगर और अंडर नरिशन। ठीक है, 9 में से 1 बच्चा अंडर नरिश्ड है, 1 in 3 पीपल इज ओवर वेट और ओबेस, 3 में से 1 बच्चा ओवर वेट है। ठीक है, फूड एंड हेल्थ सिस्टम नीड टू बी ट्रांसफॉर्म, जो फूड और हेल्थ सिस्टम है उसे भी ट्रांसफॉर्म करने की बात करी गई है। ठीक है, तो आप इसमें देखिएगा, ये इसमें इंपॉर्टेंट इन्फोग्राफिक्स दे रखा है ये। नाउ इन द टाइम टू एक्ट, स्टेक होल्डर्स मस्ट वर्क इन कोऑर्डिनेशन टू ओवरकम बैरियर्स दैट आर होल्डिंग बैक प्रोग्रेस टू एंड माल न्यूट्रिशन। जो स्टेक होल्डर्स हैं उन्हें ध्यान देना है, हर चीज़ को ध्यान देना है कि कैसे वो कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे इस बैरियर को वो रोक सकते हैं, कैसे वो माल न्यूट्रिशन की कंडीशन को ख़त्म कर सकते हैं। तो इसके बारे में आप देखिएगा, प्रोग्रेस टुवर्ड्स द 2025 ग्लोबल न्यूट्रिशन टारगेट, क्या 2025 के टारगेट में क्या क्या प्रोग्रेस मिली है, किस किस चीज़ में प्रोग्रेस मिली है, उसके बारे में देखेंगे। तो देखिए, मेटरनल, इन्फेंट एंड यंग चाइल्ड न्यूट्रिशन टारगेट, ये तीन तीन लोगों के बारे में बात हो रही है। मेटरनल जो लेडी जो प्रेग्नेंट है, मेटरनल माँ है जो, इन्फेंट जो बहुत छोटे बेबी हैं, एकदम इन्फेंट जो बच्चे पैदा हुए हैं, टोडलर्स जैसे हम बोलते हैं, बाकी यंग चिल्ड्रन जो बच्चे हैं उनके बारे में ही बात हो रही है। तो पहली कंडीशन क्या है, एनीमिया। तो देखिए यहाँ पे जो टारगेट बनाया गया है वो उसको नाम दिया गया है, आप नाम पे ध्यान दीजिएगा। देखिए ऑफकोर्स, सम प्रोग्रेस और ऑन ट्रैक, एक ऑन ट्रैक भी वो भी आएगा, तीन चीज़ें हैं, ऑन ऑफ कोर्स, सम प्रोग्रेस और ऑन ट्रैक। तो ऑफ कोर्स माने जो कमी है, कमी रह गई है, सम प्रोग्रेस माने कि कुछ प्रोग्रेस हुआ है इस फील्ड में, तो आप समझ पा रहे होंगे। तो अनीमिया में ऑफ कोर्स है मतलब कि इस पर अभी ध्यान देना बाकी है। 50% रिडक्शन ऑफ अनीमिया इन वुमेन ऑफ रिप्रोडक्टिव एज, रिप्रोडक्टिव एज की जो वुमेन है 50% उसमें रिडक्शन करना पड़ेगा अनीमिया में, अभी वो पूरा नहीं हुआ है। एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग, जो ब्रेस्ट फीड करवाते हैं, माँ का दूध पिलवाते हैं, तो 50% तक हमें बढ़वाना है, उसमें थोड़ा बहुत काम हुआ है, सम प्रोग्रेस हुई है उसमें। लो बर्थ वेट, उसमें भी थोड़ी बहुत प्रोग्रेस हुई है, 30% रिडक्शन इन लो बर्थ वेट, 30% तक रिडक्शन हुआ है लो बर्थ रेट में। ठीक है, ये आप समझ रहे हैं। आगे देखिए, चाइल्ड हुड स्टंटिंग, जो बच्चों की स्टंटिंग हो गई है, ग्रोथ रुक गई है, तो उसमें क्या है, 40%, 40% रिडक्शन इन द नंबर ऑफ चिल्ड्रन अंडर 5 हु आर स्टंटेड। तो वही 40% तक जो बच्चे हैं, 40% तक हमें रिडक्शन करना है उन बच्चों में जो 5 साल से नीचे के हैं। ठीक है, और चाइल्डहुड वेस्टिंग में क्या है, रिड्यूस एंड मेंटेन चाइल्डहुड वेस्टिंग टू एटलीस्ट 5%, तो चाइल्डहुड वेस्टिंग को भी रोकना है हमें, 5% तक कम करना है। चाइल्डहुड ओवर वेट, ओवर वेट को भी करना है, नो इंक्रीज इन चाइल्डहुड ओवर वेट, तो इसमें भी हमें काम करना है, कोई भी इंक्रीमेंट, कोई भी इंक्रीज ना हो, बच्चा एक भी बच्चा ना बढ़े जिसमें ओवर वेट पाया जाए। ठीक है, आप भी समझ रहे हैं। आगे देखिए क्या है, डाइट रिलेटेड एनसीडी टारगेट, एनसीडी माने नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, जैसे कि सॉल्ट इनटेक, हम नमक कितना ले रहे हैं, ब्लड प्रेशर का क्या हिसाब है, तो वो सब। तो सॉल्ट इनटेक में क्या है, 30% रिलेटिव रिडक्शन इन मीन पॉपुलेशन इनटेक ऑफ सॉल्ट, तो 30% तक हमें हमें कम करना है रिडक्शन पॉपुलेशन में, जो उसका क्या है, सॉल्ट इनटेक जो कम से कम ले, सॉल्ट इनटेक हमें कम लेना पड़ेगा, सोडियम क्लोराइड जिसे हम बोलते हैं NaCl। ठीक है, रेज्ड ब्लड प्रेशर, अ 25% रिलेटिव रिडक्शन इन द प्रिवलेंस ऑफ रेज्ड ब्लड प्रेशर, 25% तक हमें जो ब्लड प्रेशर चल रहा है हमारी कंट्रीज में उसे हमें कम करना है। ठीक है, तो ये बातें कही गई है। आगे क्या है, एडल्ट ओबेसिटी पे ही बात कही गई है कि हॉल्ट द राइज इन प्रिवलेंस, जो भी ओबेसिटी चल रही है एडल्ट में उसे भी हमें रोकना है, हॉल्ट करना है, हॉल्ट माने रोकना है। इसी तरीके से एडल्ट डायबिटीज जो है उसे भी हमें हॉल्ट करना है, उसे भी हमें रोकना है। ठीक है, तो ये बात हुई है। आगे बढ़ते हैं, देखिए कुछ कंट्रीज़ के बर्डन है किस किस अकॉर्डिंग, किस किस के अकॉर्डिंग है। देखिए हम अपने भारत पे ध्यान देंगे, देखिए भारत पे ध्यान दे रहे हैं, कैसे डार्क ग्रे कलर का है, अनेमिया और स्टंटिंग, तो हमारे में ज़्यादातर क्या है एरिया में, अनेमिया है, खून की कमी ज़्यादा पाई जाती है माताओं में, औरतों में, लेडीज़ में, और स्टंटिंग ग्रोथ पाई जाती है बच्चों में, इन्फेंट्स में। ठीक है, तो वो ज़्यादा है हमारे हमारे भारत में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, वेयर इंडिया स्ट्राइड्स, अब इंडिया के बारे में बात आई कि इंडिया ने क्या क्या करा है, क्या क्या नहीं करा है। तो इंडिया एक्सपीरियंस अ माल न्यूट्रिशन बर्डन अमंग इट्स अंडर 5 पॉपुलेशन, तो वही है, उसने भी, इंडिया ने भी एक्सपीरियंस करा है माल न्यूट्रिशन को। एज ऑफ 2015 द नेशनल प्रिवेलेंस ऑफ अंडर 5 ओवर वेट
इज 2.4। 2015 के अकॉर्डिंग जो अंडर 5 ओवरवेट थे, मतलब कि 5 साल से कम के बच्चे जो ओवरवेट थे, वो कितना था उसका टारगेट? 2.4%, विच हैज़ इंक्रीज स्लाइटली फ्रॉम 1.9% इन 2006। तो 2006 में क्या टारगेट था? 1.9% का, बट 2015 में कितना परसेंटेज बना दिया गया उसका? 2.4। तो ये टारगेट भी वो बीट नहीं कर पा रहा है। ठीक है, द नेशनल प्रेवलेंस ऑफ अंडर 5 स्टंटिंग इज 37.9%। जो नेशनल का क्या है, अंडर 5 जो 5 साल से कम के बच्चे हैं जो स्टंटिंग है, उनकी कितनी परसेंटेज है? 37.9, विच इज़ ग्रेटर देन द डेवलपिंग कंट्री एवरेज ऑफ 25%। जो कितना है, जो डेवलपिंग कंट्रीज से ज़्यादा है, बाकी के डेवलपिंग कंट्रीज से जो ज़्यादा है, हमारे में ज़्यादा है, मतलब भारत में स्टंटिंग ज़्यादा देखी गई है ना, इसका कहने का मतलब ये हुआ। इंडियाज अंडर 5 वेस्टिंग प्रेवलेंस, अंडर 5 वेस्टिंग प्रेवलेंस ऑफ 20.8%। तो वही 5 साल से कम के बच्चे जिनकी बॉडी में वेस्टिंग देखी जा रही है, किसी बीमारी के कारण दिक्कत हो रही है उनके बॉडी में, तो वो 20.8% तक है, विच इज ऑल्सो ग्रेटर देन द डेवलपिंग कंट्रीज एवरेज ऑफ 8.9%। तो बाकी की जो डेवलपिंग कंट्रीज है जिसका एवरेज क्या है, 8.9%, उससे भारत का एवरेज काफ़ी ज़्यादा है, जिसमें जो 5 साल से कम के बच्चे हैं उनमें वेस्टिंग ज़्यादा पाई जा रही है, मतलब भारत की हालत काफ़ी बुरी है। इन इंडिया 54.9% ऑफ इन्फेंट्स अंडर 6 मंथ्स आर एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीडेड। 54.9% तक के जो इन्फेंट्स हैं, जो 6 मंथ्स के कम के बच्चे हैं वही ब्रेस्ट फीड कर पा रहे हैं। कितना कितना परसेंट कर पा रहे हैं? सिर्फ 54.9। देर इज इनसफिशियंट डेटा ऑन लो बर्थ वेट, और लो बर्थ वेट पर इनसफिशियंट डेटा है, कोई डेटा है नहीं प्राप्त। ठीक है, इंडियाज एडल्ट पॉपुलेशन ऑल्सो फेस अ माल न्यूट्रिशन बर्डन। तो इंडिया का जो पॉपुलेशन है वो भी माल न्यूट्रिशन बर्डन को फेस कर रहा है। 31.4% ऑफ वुमेन ऑफ रिप्रोडक्टिव एज हैव एनीमिया। देख रहे हैं आप, 51.4% तक की जो औरतें हैं रिप्रोडक्टिव एज की, उनमें एनीमिया की कमी, एनीमिया के सिम्टम देखे गए। 9.1% ऑफ एडल्ट मैन हैव डायबिटीज़। जो एडल्ट मैन है 9.1% उनमें डायबिटीज़ है, कंपेयर टू 8.3% ऑफ वुमेन। वुमेन में ज़्यादा डायबिटीज़ देखी जाती है 8.3% तक। मीनवाइल 5.1% ऑफ वुमेन एंड 2.7% ऑफ मैन हैव ओबेसिटी। तो औरतों में 5.1% तक ओबेसिटी है, मतलब औरतों में मोटापा ज़्यादा देखा गया है इन कंपेरिजन टू मैन। मैन में कितना देखा गया है? 2.7% तक। तो ये इंडिया की बात है, ठीक है, आप इसे समझ रहे होंगे। बाकी ये ख़त्म हो गया, तो मैंने इंडिया के बारे में सारा बता दिया आपको, रिपोर्ट के बारे में बता दिया। बाकी आपको कोई भी दिक्कत आ रही हो, आप मुझे ज़रूर मैसेज और मुझे कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।